फोन दे दिया, वो औरतें घर पे पहले थोड़ा बहुत काम करती है, फोन देने के बाद काम नहीं करती, यहाँ मैं आता हूँ पार्क में वो सेल्फियां लेती है और ढिंचक ढुंचक ढिंचक ढुंचक डांस बड़ी करती है। ने फोन दिया तो क्या होगा, हम तो वोट तो मोदी को देंगे। अब कहाँ से लाए, तो अशोक जी ने दिया है। तो मैंने पूछा आप वोट किसको देंगे, तो वोट तो मोदी को देंगे। अरे होगा, 10 साल हो गए मोदी जी ने क्या किया, विदेशों में किया, अपना नाम किया है। इस बार राजनीति का क्या माहौल है, कौन आ रहा है राजनीतिक में? तो अब देखो यहाँ तो मेरे को लगता है कि मेवाराम जी आएंगे। मेवाराम जी आएंगे, हाँ। फिर तो ये बाड़मेर के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, लगातार 4 बार विधायक होना। हाँ सर, ये तो है, मेवाराम जी की बाड़मेर में है 100%। क्यों ऐसा कि दोबारा मेवाराम जी नहीं आएंगे चौथी बार? अब वो तो उनका कोई काम किया हुआ है, लोगों के मन में बैठ गए कि भाई मेवाराम है, काम करने वाले है, विकास करते हैं, हर किसी की थोड़ी बहुत सुनवाई सुनते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा विश्वास है इसलिए। और भाजपा क्यों नहीं? अब भाजपा ने मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 100 रुपए कट्टा सीमेंट का होगा, लेकिन गरीबों के लिए तो कुछ नहीं हुआ। क्या अभी कम किया उन्होंने? 200 से क्या होता है, 500 रुपया था, अब 200 में क्या हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ, सब्सिडी बंद हो गई है, क्या हुआ? गरीबों के लिए कुछ फायदा मोदी जी ने नहीं किया, थोड़ा बहुत किया तो अशोक जी ने किया है, वो जाते जाते किया, अभी इतने सालों में अब किया है, 50-60 सालों में कुछ नहीं किया, अब की बार थोड़ा बहुत रेवड़ियाँ बांट दिए लोगों को खुश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अब देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है इन जो रेवड़ियाँ आप बता रहे हैं, रेवड़ियाँ बांटी, इसका फायदा कांग्रेस को होगा इस बार चुनाव में? अब वो पूरी मूल धरा पर जब उतरती है रेवड़ियाँ तो देखो आगे क्या होता है। कोई तो लोग कहते हैं अशोक जी, लोग तो ऐसे, हम तो यहाँ देखते हैं पार्क मस्जिद में वो फोन लेके आते हैं, हम किसी को पूछते भाई ये फोन कहाँ से लाए, तो ये अशोक जी ने दिया है। तो मैंने पूछा आप वोट किसको देंगे, तो वोट तो मोदी को देंगे। अरे भाई फोन दिया ना आपने, तो फोन अपना वापस ले जा। अब फोन दे दिया, वो औरतें घर पे पहले थोड़ा बहुत काम करती है, फोन देने के बाद काम नहीं करती, यहाँ मैं आता हूँ पार्क में वो सेल्फियां लेती है और ढिंचक ढुंचक ढिंचक ढुंचक डांस बड़ी करती है। यहाँ पार्क में ढिंचक ढुंचक, हाँ ढिंचक ढिंचक चलता है, खुलेआम चलता है मोबाइल लोग अंदर, और हम यहाँ बैठते हैं हमारे ऊपर आके गिर जाती है। अच्छा, हाँ ये बैठे हैं वरिष्ठ लोग, इनको पूछ लो, कल गिर गई थी हमारे पर, आपके ऊपर महिला गिर गई कल, बिल्कुल ये गिर गई थी, 10 आदमी बैठे, इनको पूछ लो आप। हाँ अब जब हम यहाँ पे ऐसे मैम बैठे यहाँ पे आके खुले में, ये माहौल है। फोन देना सही योजना था कि गलत योजना थी? फोन देना सही योजना मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए कोई सिलाई की मशीन देनी थी इसको, कोई काम धंधा औरतों के हाथ में देना था तो उनके लिए कुछ खर्चे पानी वाले पैसे भी निकालती और घर का काम भी सेपरेट रहता। अभी वो फोन दे दिया, घर छोड़ के यहाँ आते हाय बाय हाय हेलो से कुछ होता नहीं है, काम होता नहीं है घर का। अच्छा, बाड़मेर में आप बता रहे कि मेवाराम जैन की तरफ जो है रुख लग रहा है, और लोकसभा चुनाव भी उसके बाद ही है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, मोदी या राहुल गांधी या फिर केजरीवाल या ममता बनर्जी या नीतीश कुमार? नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं मोदी को ही देखना चाहता हूँ। वही मोदी जब राजस्थान में आते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के सामने, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो गहलोत बनाम मोदी हो गया। हाँ तो फिर वहाँ पे आप मोदी को देखना चाहते हैं या गहलोत को देखना चाहते हैं? तो मोदी को देखना चाहते हैं।